गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज का लेसन 4 युगों का दौर लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद का कैसे अवसान हुआ। तो इसमें बच्चों देखना है कि मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह किसने ली थी, सुंग वंश ने ली थी। इसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों कि उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे और उनका नेतृत्व बच्चा मेनाडर ने किया था। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है कि मेनाडर कौन था। तो हम लोगों ने ये बताया था बच्चों कि भारतीय यूनानी सेना नायक था मेनाडर, जिसने कि भारतीय चेतना और वातावरण और यह राजा मलिंद के नाम से बच्चों प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला था, बौद्ध आख्यानों से पता चला था। इसके पश्चात हम लोग बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हुए आए थे, फिर देखा गया हम लोगों ने कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो था बच्चा वो बौद्ध कथाओं का भी नायक था। ये बाद में बौद्ध हो गए थे और उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। इसके पश्चात बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता था कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिनमें से जरथुष्ट के धर्म का भी योगदान था। इसी प्रकार बच्चों हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने देखा कि नागार्जुन के बारे में जाना कि एक नाम है नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुआ। और कुषाण काल में बच्चों बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बट गया था, दो संप्रदायों में, एक था महायान और दूसरा हीनयान। ये बौद्ध धर्म में कौन से थे, दो संप्रदायों में बटा हुआ समय था, महायान और हीनयान। अब इन दोनों के बीच मतभेद हो गए थे और भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर आयोजित किए जाने लगे। इसके पश्चात हम लोगों ने बच्चों देखा कि 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए बच्चों, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। इसके पश्चात जिस बौद्ध धर्म का बच्चों जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत व पुण्यभूमि थी, जहां बुद्ध ने बच्चों जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म में मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे बच्चों इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, इसका रूप और विकसित होता गया। बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का ये प्रतीक बने। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा बच्चों कि गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था और इसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इसमें सबसे बड़े शासक का नाम था बच्चों समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत किया है। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा बच्चों कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे और उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। इसके पश्चात हम लोग आए बच्चों अब उसके बाद दक्षिण भारत की ओर। अब देखा हम लोगों ने यहाँ पर कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य ने के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी अधिक समय बड़े बड़े राज्य फूले फले। उसके पश्चात बच्चों शांतिपूर्ण विकास और बुद्ध युद्ध के तरीके उस समय कैसे थे। बार बार बच्चों हमला होने और दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन सौ वर्षों तक ही बस कायम रहे। इसके पश्चात बच्चों हम लोगों ने देखा कि प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार था बच्चों स्थिरता और सुरक्षा की भावना। इस दृष्टि से उन तमाम सभ्यताओं से कहीं और अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था।
इसके पश्चात बच्चों हम लोगों ने देखा कि भारत का प्राचीन रंगमंच, भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। उसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। इसी में हम लोगों ने देखा बच्चों कि रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो। इसी में बच्चों एक थे प्राचीनतम नाटक के अश्वघोष, जिन्होंने धर्मपरायण बौद्ध हुए। इन्होंने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा बच्चों कि कालिदास के बारे में जाना कि कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। ये बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे और अपने उनके दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग की भाव मिलते हैं। इन्होंने और भी कविताएं लिखी, जैसे मेघदूत लिखा। 400 ईसा के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था बच्चों, वह विशाख दत्त का नाटक था मुद्रा राक्षस। इसी प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार था भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं। इसके पश्चात बच्चों संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व के बारे में जाना कि संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत है। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसके पश्चात बच्चों हम लोगों ने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बच्चों लिखा था कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से बच्चों दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से बच्चों ली गई थी और संस्कृत से बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ इसमें लिया गया। इसके पश्चात अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत क्षेत्र है। वहाँ पर बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें हैं। इसके पश्चात बच्चों भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं वहां पर खोदी गईं और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए। एलिफेंटा की गुफाओं में बच्चों नटराज की शिव की एक खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हेवेल का कहना है कि इस छत विच्छित अवस्था में भी वह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है, इस और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा बच्चों भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। प्राचीन भारत में बच्चों गणित शास्त्र। माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। बीजगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 में हुआ था। अंकगणित की बच्चों एक पुस्तक है जिसका नाम लीलावती है, यह जो है यह भी भास्कर की ही पुस्तक है।
उसके बाद बच्चों इसका जितना अभी हम लोगों ने देखा जाना, इसका विकास और ह्रास दोनों ही चीज़ें हम लोगों को इसमें हम लोगों ने देखी कि ईसवी सन के पहले हजार वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। सातवीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। इस प्रकार से बच्चों भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ और ना बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। स्वयं भारत में बच्चों गैर मिलनसारी भावना से उसकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से बच्चों हमारा यह लेसन समाप्त हुआ। अब इसके अंतर्गत इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। आप लोगों ने इस लेसन को पूरा हमारे साथ पढ़ा है और उसके बाद आपने इसको अलग से भी पढ़ा है, उसके पश्चात हमने इसके साथ आपको इसमें प्रश्नोत्तर कराए थे। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको क्लास में कराए हैं। पहला क्वेश्चन हमने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैनाडर कौन था और वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसकी फोटो भी मैंने आपको क्लास में भेजी है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा हेलियोदो स्तंभ क्या है और वह कहां पर है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है और यह हेलियोदो के नाम से प्रसिद्ध है। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अभी मैंने आपको बताया कि कनिष्क थे। फिर भारत को चीन से उपहार में क्या मिला था बच्चों, तो चीन से बच्चों आड़ू और नाशपाती के पेड़ उपहार में मिले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नागार्जुन के बारे में आप क्या जानते हो, तो नागार्जुन मैंने आपको बताया कि ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे और बौद्ध शास्त्रों भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। भारत में नेपोलियन किसे कहा गया है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे उनके बारे में लिखो, हर्षवर्धन बच्चों कन्नौज के राजा थे, उन्होंने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। नाट्यशास्त्र किस शताब्दी की रचना है, ये भी अभी अभी मैंने आपको बताया कि रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था बच्चों मैंने आपको कि बुद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा और इसमें किसका वर्णन है, तो बच्चों बुद्ध चरित ग्रंथ अश्व घोष ने लिखा था और वह धर्मपरायण बौद्ध थे, उन्होंने इसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा है। कालिदास के बारे में अभी हम लोगों ने आपको बताया कि कालिदास कौन थे और वो कहते थे, तो कालिदास संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे और इनके दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। फिर देखा बच्चों लोक मंच का क्या आधार था, इसका आंसर भी मैं अभी आपको बताया कि इसमें भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मथुरा के संग्रहालय में किसकी प्रतिमा है, तो बच्चों मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रसाण प्रतिमा है। अजंता की गुफाओं में किसके चित्र द्वारा बनाए गए हैं, अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए हैं। अभी लास्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया कि गैर मिलनसारी भावना का क्या परिणाम हुआ, तो भारतीय सभ्यता का एहसान बताया मैंने आपको, नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, और इन सब से क्या हुआ बच्चों कि भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था कि स्वयं भारत में भी गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों कंप्लीट हो गए। इसके पश्चात मैंने आपको कराया था ट्रू फॉल्स और फिलअप, इनकी पिक्चर भी आपको हम वैसे भी भेज चुके हैं और आपको वीडियो में भी डाल रहे हैं कि जरथुस्ट पारसियों के धर्म गुरु थे, राइट,
महायान जैन धर्म से संबंधित है। रोंग यशोवर्मन के नेतृत्व में हुड़ो के सरदार मिहिर गुल को बंदी बनाया गया। राइट, भास बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। रोंग, सर विलियम जॉन्स ने शकुंतला का अनुवाद किया। राइट, महाकवि कालिदास हर्षवर्धन के दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। रोंग, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक नामक नाटक लिखा। राइट, कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई। राइट, यूरोपियनी प्राचीन सभ्यता का अंत रोम के पतन के साथ हुआ। राइट, भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को कमजोर कर दिया। रॉन्ग। इसके पश्चात है बच्चों रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिए, पहला है अजंता की गुफा के चित्र बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाए गए, तो इसमें बौद्ध भिक्षु आंसर में लिखोगे। मैरोली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव कहाँ पड़ी? भारत में पड़ी। लीलावती पुस्तक भास्कर की बच्चों रचना है जो गणित से संबंधित है, अंकगणित से। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना गया है। सातवीं आठवीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोला की विशाल गुफाएं तैयार हुई। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है। बीजगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। विदेशों में भारतीय संस्कृत का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। गणित में आखिरी बड़ा नाम बच्चों भास्कर द्वितीय का है। इस प्रकार बच्चों हमारा ये रिक्त स्थान पूर्ति कंप्लीट हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें अब आपको अपनी कॉपी पे प्रश्नोत्तर फिलअप और ट्रू फॉल्स कंप्लीट करके कॉपी हमें भेजनी है चेक करने के लिए। थैंक यू बच्चों।